किसी भी कंपाउंड में कितने टोटल एटम्स नंबर यूज होते हैं ये आपको जानना बेहद जरूरी होता है, साथ में आप जानेंगे इसी वीडियो में इसका यूज कहां करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंडा क्या होता है, जिस कंपाउंड में निकालने हैं एटम्स नंबर टोटल कितने दे रखे हैं वो फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। इस फॉर्मूले को बोलते हैं एल्युमिनियम कार्बोनेट। देन यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम कितना दे रखा है, 2, देन कार्बन 3, देन ऑक्सीजन 3 × 3 टोटल इज 9। देन इस फॉर्मूले में ओनली फॉर 3 एलिमेंट्स का यूज हुआ है, एल्युमिनियम का, कार्बन का एंड ऑक्सीजन का। अब बात करते हैं एटम्स कितने हैं, इन सभी को ऐड करेंगे, 9, 3, 12 एंड 2, 14। एल्युमिनियम कार्बोनेट में एटम्स नंबर्स होते हैं टोटल 14 होते हैं। इनकेस यहाँ पर 2 होता या 3 होता तो क्या होता, सभी मल्टीप्लाई होता तो वैल्यू क्या होती, अलग आती। देन मैं बात करता हूँ इसका यूज़ की, बात करता हूँ कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। जब आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे तब इसका यूज़ करेंगे, मोलर मास में, परसेंट कंपोजिशन में एंड एवोगाड्रो नंबर में। एंड जब भी कोई आप न्यूमेरिकल इसका लगाएंगे तब भी इसका यूज़ होता है। समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। आई होप इस वीडियो से आपने सीख लिया नंबर ऑफ एटम्स को कैसे फाइंड करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।